हमारा मंसूबा कामयाब रहा। दौलत ने नूरुद्दीन जंगी से जंग का ऐलान कर दिया है। अब नूरुद्दीन हमसे जंग नहीं कर सकता। मूसल की फौज पहुंच चुकी है, दमिश्क अब हमारा है। मुझे अब अपनी सुल्तानी का ऐलान कर देना चाहिए। अब कोई भी रुकावट बाकी नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन का एलची आया है मेरे शेर, मिलना चाहता है वो आपसे। शायद मेरे भाई को अंदाजा हो चुका मेरी ताकत का। इजाजत है। सुल्तान नूरुद्दीन ने फौज तैयार कर ली है तख्त की जंग के लिए। कल वो आपके मैदान जंग में मुंतजर रहेंगे। मेरी फौज मूसल से आ चुकी है, सलजूक ताकत मेरे साथ है, तो मुझसे जंग करने का ख्याल भी कैसे आ सकता है? सुल्तान को मुझसे बैत करनी चाहिए, वरना मुझसे जंग करके जिंदा ना बचेंगे। हमारे सुल्तान का ख्याल है कि तख्त का फैसला सिर्फ तलवार ही कर सकती है। ये ठीक है कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें कोई खौफ नहीं। उनका कहना यह है कि मैदान में वही आएगा जिसमें जुर्रत है। तुम्हारे सुल्तान ने मलिक मौदूद को मैदान जंग में क्यों बुलाया है? वो क्या चाहता है? सुल्तान दमिश्क आ सकते थे, मगर ये जंग तख्त के लिए होनी है। शहर को नुकसान पहुंच सकता है, अवाम भी मुतासिर हो सकते हैं। खैर, जंग जीत कर तो वैसे भी वो दमिश्क आएंगे ही, तब वही सुल्तान होगी और दमिश्क पर उनका परचम लहराएगा। जाकर बता दो अपने सुल्तान को, कल मैदान जंग में मेरी उससे मुलाकात होगी। कल तलवारें फैसला कर देंगी, तख्त किसको मिलेगा। ये दावत कबूल क्यों की तुमने मौदूद? क्या सुना नहीं तुमने? वो दमिश्क भी आ सकता है। इससे पहले कि वो दमिश्क पर चढ़ाई करे, मुझे ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। और यहाँ पे सबसे अपनी सुल्तानी को मनवाने के लिए मुझे बहादुरों की तरह जंग करनी ही होगी। बारबोरा, जाना पकड़बान, फौज को तैयारी का हुक्म दो। मेरा भाई जब तख्त का फैसला मैदान जंग में करना चाहता है, तो मेरी सुल्तानी के दस्तावेज पर उसके खून से मोहर लगेगी।